अच्छा बना ना, बहुत अच्छा बना। बोले ना अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ मुहर्रम के न्याज का खिचड़ा, जो मैंने बनाया है 6 kg पे। और ये बहुत ही मज़ेदार सा खिचड़ा बना था और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो क्यों ना मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी इसे अपने घर पर बनाएँ और न्याज करें और लोगों को खिलाएँ। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 4 चुंगी के करीब ऑयल। ऑयल जो है वो मैं कप के हिसाब से 2 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर मेरी तरह आपके पास चुंगा है तो आप उसके 4 चुंगे जो हैं वो ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 12 से 15 प्याज जो है वो कट करके पहले से रख लिया है, जिसमें से मैंने 3 से 4 प्याज जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं बारीक स्लाइसेस में कटे हुए, ताकि इसे अच्छी तरह से आपने कर लेना है ब्राउन। ब्राउन नहीं करना है, पिंक पिंक वाला ही आपने इसे फ्राई करना है। और आप देख रहे होंगे कि पतीले पे ये काला काला क्या लगा हुआ है। अभी रिसेंटली जो है वो मैंने दावत ब्लॉग शेयर किया था, तो उसमें मैंने ये इसमें एक कोरमा बनाया था, तो इसके पेंदे पे जो है ना वो कोरमे का जो थोड़ा थोड़ा काला जो है ना वो रह गया था, और अभी जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। और यहाँ पर जो है अभी आग लगी है और ये प्याज जो ब्राउन होने लगे हैं, तो उसमें ये आराम से निकल आया। पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर जो है मेरे मेजरमेंट 3 kg जो है वो बीफ के अकॉर्डिंग है, जिसमें चर्बी और गोश्त दोनों शामिल है। तो ये बड़े बड़े स्लाइसेस में कटे हुए गोश्त हैं, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। खिचड़े में थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 teaspoon के करीब। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 teaspoon के करीब सॉल्ट। सॉल्ट आपने स्टार्ट में ही ऐड कर देना है, ताकि गोश्त में जो है वो अच्छी तरह से सॉल्ट रस बस जाए। और साथ ही मैंने सारे प्याज जो हैं वो 8 medium size के स्लाइसेस पे कट हुए हुए इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बारी है इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करने की। 1 से लेकर 3 teaspoon से 4 teaspoon आपने इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है कोरमा मसाला पाउडर, 4 teaspoon मैंने इसमें कोरमा मसाला पाउडर ऐड किया है। और ये वो स्टेज है कि इसमें आपने अच्छी तरह से अब इसे मिक्स करना है। हल्दी पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है आपने, क्योंकि आप ये मुहर्रम का खिचड़ा बना रहे हैं और खिचड़ा जो है वो सादा सादा टाइप का बनता है, वो मसालेदार नहीं बनता, तो आपने इसमें हल्दी पाउडर का जो है वो यूज़ नहीं करना है। अब बारी इसे अच्छी तरह से मिक्स करने की और इसमें पानी मिक्स करने की। तकरीबन मैंने इसमें 1 degchi के करीब पानी ऐड किया है, और वो देगची तकरीबन जो है वो छोटे से थोड़ी सी बड़े पर है, मीडियम साइज़ की देगची थी मेरे पास, उससे मैंने पानी ऐड कर दिया है। साथ में इसमें 1/2 kilo के करीब चले गए हैं टमाटर, बिल्कुल राउंड स्लाइसेस में कटे हुए। 1/2 गड्डी जो है मैंने इसमें पुदीना ऐड किया है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने खिचड़ा चढ़ाना है, कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ौरन से ये खिचड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा कम वक्तों में। आजकल गैस ऐसी ही नहीं है, तो मैं आपके साथ ऐसे खिचड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो झटपट बनने वाली है, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहाँ पर जो है वो मैंने 1/2 कड़ी जो है वो पुदीना ऐड किया है, और पुदीना और हरी धनिया को आपने अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ करके वॉश करके इसमें ऐड करना है, और इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लें। और इसे आपने तकरीबन पकाना है 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे आपने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पकाना है। बहुत मज़ेदार और अच्छी तरह से कोरमा जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। ढक दें। ये तकरीबन जो है वो 2 घंटे गुजर गए हैं इसमें, और मज़ीद में से 2 घंटे अच्छी तरह से पकाऊंगी। अगर इसी तरह से अगर आप कुकर में ये बनाना चाहते हैं तो ये कुकर में और ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको देगची में बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कुकर में जो है वो सालन बहुत ही कम बनाती हूँ। न्याज वगैरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लगा के बनाएं, ताकि इसका सवाब आपको डबल ट्रिपल मिले। तो
यहाँ पर जो है वो हाफ डन हो गया है, लेकिन अभी हाफ डन पूरा इसमें बाकी है। अच्छी तरह से आपने गोश्त को गलाना है कि बूढ़े भी खा लें बच्चे भी खा लें बिल्कुल आराम से, ऐसे आपके गोश्त जो है वो गलने चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपने गोश्त को गलाना है, तकरीबन 2 घंटे से मैं मज़ीद और पकाऊंगी। और आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी कितनी अच्छी सी आई है, और प्याज जो है वो ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी आपको नहीं दे रहे हैं, तो यही बात है। तो तकरीबन 4 घंटे गुजर गए हैं, और यहाँ पर जो है आपने चावलों को 2 घंटे पहले सोख कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास 8 ग्लास के करीब चावल मैंने लिए हैं, मीडियम कप का मैंने 8 ग्लास जो है वो कप जो है इसमें चावल के लिए हैं, और बाकी दूसरे तसले में जो है वो मैंने 8 ग्लास लिए हैं। यहाँ पर बड़ी देगची ले लेते हैं, और देगची में मैंने ऐड किया है 2 चुंगों के करीब ऑयल। अगर कप के हिसाब से तो आपने 1 कप इसमें ऑयल ऐड करना है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 4 लौंग है, 2 इसमें चली गई हैं दालचीनी। ये दोनों जो ये सारे जो है खड़े मसाले आपने इसमें ऐड करना है, और ऑयल में थोड़ी देर आपने इसे कड़कड़ा लेना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आपके खिचड़े में आए। आप यकीन करें मुहर्रम के खिचड़े जैसा खिचड़ा जो है वो आपको कहीं किसी टाइम नहीं मिलेगा। मुहर्रम में खिचड़ा ले लें, शब बारात में हलवा ले लें, इसी तरीके से हर एक एक चीज़ का ट्रेंड चलता है, तो वो उसका टेस्ट डिफरेंट महीने में वैसा होता ही नहीं। जैसे कुर्बानी की कलेजी ले लें, वैसा आप पूरे साल नहीं खा सकते वैसी कलेजी, कुर्बानी की कलेजी कितनी शानदार होती है, तो इसी तरह से मुहर्रम का खिचड़ा भी उतना ही शानदार होता है। तो यहाँ पर जो है वो बीफ का जो है वो सारा मटेरियल मैंने इसमें डाल दिया है, बीफ कोरमा इसमें ऐड कर दिया है गरम मसालों को कड़कड़ाने के बाद। और इस स्टेज पर जो है वो आपने सॉल्ट ऐड करना है। मैंने 3 टीस्पून पहले सॉल्ट ऐड किया था, अब मैं 2 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ चावल के अकॉर्डिंग। और मेरे पास यहाँ पर 3 केजी के करीब चावल हैं जिन्हें मैंने 2 घंटे पहले से जो है वो भीगने के लिए रख दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 टू 4 टीस्पून इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। अगेन पहले मैंने 3 टीस्पून डाला था, अभी मैंने 4 टीस्पून डाला है, टोटल 7 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। साथ में इसमें जो है वो बिरयानी मसाला पाउडर जाएगा। हरी मिर्चें पहले आपने ऐड करनी है, मोटी वाली हरी मिर्चें ही इसमें ऐड कीजिएगा, बारीक वाली बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। ये देखें मोटी हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं, और अच्छी तरह से इस स्टेज में आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, और यहाँ पर जो है वो चने की दाल को आपने अच्छी तरह से भिगोना है पहले, और इसे इस तरह से सेपरेटली बॉईल कर लेना है 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल के। और यहाँ पर चने की दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है, और यहाँ पर मैंने 5 से 6 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने अगेन इसमें 2 से 3 टीस्पून जो है वो एक्स्ट्रा ही रखा है। बाकी सारे मसाले आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेने हैं, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लें। मैं बना रही हूँ 6 केजी के करीब, तो मैं उस अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्ट वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जो है चने की दाल आपने कम्प्लीटली इसमें ऐड कर देनी है, और मेरे पास टोटल 16 ग्लास के करीब चावल हैं, तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ टोटल 11 ग्लास, क्योंकि इसमें कोरमे का भी पानी मौजूद है, बाकी मैंने चने के दाल जो इसमें ऐड किए थे उसका भी पानी इसमें मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, मैं सिर्फ 11 ग्लास के करीब जो है वो पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 देगची के करीब जो है वो चावलों को भिगोया था, क्योंकि मेरे पास तसला जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, और यहाँ पर जो है मैं 11 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और इसे मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। और इस स्टेज पे ही आपने बिरयानी मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर देना है। ये मसाले आप किसी भी ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने शान का करना है तो शान का कर लें, नेशनल का करना है तो नेशनल का कर लें, इट्स अप टू यू, ये सारी चीज़ें आप पर ही डिपेंड करती हैं। जी जनाब, यहाँ पर जो है अब रख देंगे आप 2 लीड देगची की ताकि बॉयल अच्छी तरीके से हो जाए। ये देखें काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पानी में जोश आ चुका है। अब सारे चावल जो हैं वो आपने इसमें ऐड करने हैं, चावलों को आपने ऐसे ऐड करना है कि उनके सारे पानी को निकाल के, चावलों को जिस पानी में आपने सोख किया हुआ था उसके साथ आपने इसमें ऐड नहीं करना है, विदाउट वाटर जो है वो आपने सारे चावलों को इसमें कन्वर्ट करना है।
और चावल जो है वो 12 से 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं, तो आपने कोई परेशान नहीं होना है, वो बिल्कुल पुलाव की तरह खुश्क होते जाएंगे और चावल जो है वो ऊपर आते जाएंगे और पानी जो है वो खुद ब खुद जो है वो खुश्क होता जाएगा। तो आपने इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सारे चावल डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे ढक्कन ढक देना है। और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट पानी जो है वो 50% ड्राई हो चुका है, 50% और ड्राई करना है। और इस स्टेज में आपने इस तरह से चावलों को नीचे से लेकर ऊपर तक लाना है। ये देखें, ऐसे नीचे से ऊपर तक आपने चावलों को मिक्स करना है, ऐसे मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। चावल ही जो है वो पुलाव की जो है और खिचड़े की जो है वो जान होती है, तो चावलों को आपने लंबेपन का काफ़ी ख्याल रखना है। ये देखें, ऊपर से प्लेन कर दे जाएँ, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाइएगा। ये देखें, 15 मिनट में चावल जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। और इस स्टेज पर जो है वो चावल अच्छी तरह से गल गए हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी जो है वो रहता है। और अब इस स्टेज में आपने देना है चावलों को अच्छी तरह से दम। तो दम देने का तरीका ये है कि आपने अपने घर में जो है, घर में जो है वो स्क्वायर टाइप का जो कपड़ा होता है वो आपने ले लेना है और इस तरह से लगा देना है। इसके बाद आपने देखिए कि जो है वो लीड रख देनी है और चारों तरफ से इसे समेटना है अच्छी तरह। और इसके ऊपर आपने अपने घर का भारी सा तवा रख देना है। अगर अपने हस्बैंड को बिठाना चाहती हैं तो बिठा सकती हैं, कोई मसला नहीं है कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन भारी तवा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर 15 से 20 मिनट, मैंने यहाँ पर 10 मिनट का दम दिया है, सॉरी 10 मिनट के दम के बाद ये देखें यहाँ पर जो है वो खिचड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब बारी है इसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मिक्स करने की। अच्छी तरीके से आपने कपगीर लेनी है, बड़े वाले चम्मच लेने हैं और इसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है वो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही शानदार सी ये न्याज की और मुहर्रम की जो है वो खिचड़ा बनकर रेडी हो गया है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे मोहल्ले में। और उम्मीद करती हूँ ये इस रेसिपी जो है वो स्टेप बाई स्टेप मैं आपको समझा सकती हूँ। और अगर वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएँ। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन जो आपको लगती होगी, आपको समझ नहीं आ रही, तो बिलो द कॉमेंट सेक्शन ओपन द ऑलवेज ओपन द कॉमेंट सेक्शन फॉर यू, सो आई विल आंसर यू एज मच एज पॉसिबल। तो फिर मैं आपको जितना समझा सकती हूँ समझाऊँगी कमेंट में भी, तो आपने ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बस बताइएगा कि आप लोगों ने नियाज का खिचड़ा रेडी कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी एक नई सी रेसिपी के साथ, एक यूनिक सी रेसिपी के साथ और विदाउट, और ऐसी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहे और आप इसे बनाएँ और मुझे दुआएँ दें। तो अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। और उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।